हेलो एंड वेलकम टू द बस शो। और आज मुझसे मिलने एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। मेहमान मेहमान क्या भाई, मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? अरे आप स्टैंड अप स्पेशल कर रहे आए हो तो हमें लगा कि थोड़ी आपकी कॉपी कर लेते, थोड़ा शो की फील ले लेता हूं मैं। आ रहे ना हमारी फील्ड में? हमारी फील्ड में क्या मतलब, मैं पहले फ्रूट बेचता था, मैं भी तो यही करता था पहले। हाँ लेकिन अब स्पेशल लेके आया तो थोड़ा अलग हो गया ना। okay, तो आपकी तरह थोड़ी शो की फील्ड। ओके कैसा लग रहा हमारा सेटअप? बहुत अच्छे सोफे तुमने बहुत वो रखे हैं। डाउन टू हाइट मेरे से भी ज्यादा है, सोफा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। वो थोड़ा डाउन टू अर्थ फील दे रहे ना, हम्बल वाला फील। कैसे आप? बहुत बढ़िया बस साहब, आप सुनाओ। आपको नाम पता है मेरा? अरे सर कुछ क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, पर्सनल लेवल पे बीइंग अ कॉमेडियन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जैसा मर्जी वैसा आंसर दे सकते हो, कुछ वो नहीं है, मना भी अच्छा। कर सकते हो कि आंसर नहीं देना मुझे। अच्छा ऐसा भी होता है? फुल एटीट्यूड दिखा सकते हो आप कुछ, कोई लोग ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपने स्टैंड अप मतलब ये क्यूरियोसिटी है मेरी, मुझे पूछना कब स्टार्ट किया, कैसे हुआ? यार मैंने एक्चुअली स्टैंड अप नहीं कह सकते, मैंने यूथ फेस्टिवल होते हैं ना हमारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, तो उसमें एक थिएटर आइटम्स होती है पाँच छः, प्ले होता है, स्किट होती है, हिस्ट्रॉनिक्स होती है, माइम होती है, मिमिक्री होती है, तो उसमें जो हिस्ट्रॉनिक्स होती है ना वो मैंने पहली बार स्टेज पे करी थी। मतलब अगर आप कॉमेडी कंटेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करने हैं, खड़े हैं आप, दो तीन माइक लगा लेते हैं और वॉइस को चेंज करके अपने यू नो बॉडी लैंग्वेज से आपने दिखाना है कि कैरेक्टर की बात कर रहा है। ये कॉम्पिटिशन होता था हमारी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने शुरू किया था। और ये स्क्रिप्ट आपने लिखी? नहीं, मैंने उस समय कोई कॉमेडी कैसेट आई थी वहाँ पे, तो उसको देख के ही वो कुछ अपनी चीज़ें भी डाली, तो मैंने कॉम्पिटिशन में करी। पर वो जो इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है ना कॉमेडी में, उसको देख के मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे टीचर जो कहते थे निकम्मा है, कुछ नहीं होगा, वो जब हंस रहे थे ना, मैंने कहा कुछ तो है, तो है ये करना है आगे, ये निकम्मे। क्योंकि घर में माहौल वही था ना, फादर पुलिस में थे, तीन मामा वो तीनों आर्मी में, तो हमने यूनिफॉर्म में लोग बड़े देखे थे आसपास, पर मेरे फादर का बड़ा हाथ है उसमें, वो मुझे हमेशा ना पुलिस वाले थे वो, पर वो ना मेरे को हमेशा लेके जाते थे, उनकी दोस्ती थी बड़ी म्यूजिशियन लोगों के साथ, उनको शौक था बड़ा, तो उनको ये था कि यार मेरा बेटा होता ना एक कि यार चलो गाय ये कुछ कर लेगा, सीख लेगा, तो वो फिर करते करते। आपके टाइम पे जब आप स्टैंड अप कर रहे थे तो आप उसमें कैरेक्टर करते थे? हम कैरेक्टर नहीं करते, तो मतलब करते क्या होता नहीं तो मतलब आपको क्या बेटर लगता है स्केच यार दोनों का अपना मजा है। जैसे मैंने अभी ये नेटफ्लिक्स पे किया ना, तो इन लोगों ने बोला कि आप जो टीवी पे करते हो उससे डिफरेंट चाहिए, तो मैं मतलब नहीं करवाना मेरे से, आप थोड़ा तो इसमें थोड़ा ज्यादा पर्सनल अपना मेरा वो है, दारू वारू पी के करते थे ना हम लोग। स्टैंड अप कॉमेडी की डेफिनेशन क्या हमें तो आज तक नहीं पता चली, तो ये पता था कि यार खड़े होना माइक पे और हंसाना है कैसे भी हंसाओ। तो आप भी उसमें नहीं जाते ना बाय द बुक की सेटअप पंच लाइन प्रेमाइस? नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना ये सब? क्या है ना क्या कुछ नहीं, मैंने तो जहाँ पढ़ने जाता था फीस दे के वहाँ नहीं पढ़ा। एक सेगमेंट है इसका जो इन्हीं लोगों ने रखा है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। इसमें आपके कुछ फोटोज हैं, तो आपको वो फोटोज आप ही के इंस्टाग्राम पे जो पड़ी हुई है। ओके एक तो आपके लाइक्स इतने आते हैं, एमपी बन जाए आदमी, इतनी वोट मिल जाए, तो देख ये फोटो कब किया यार? ये आई थिंक मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था। ये मेरा बड़ा भाई है साथ में जो पुलिस में है। ओके तो इसका दोस्त और उसकी फैमिली वैष्णो माता जा रहे थे। ओके तो मैंने मम्मी से कहा कि हमें भी जाना था, तो मम्मी जाने नहीं दे रही थी हमें। तो मैंने कहा उस उम्र में ये सोचता था मैं 10 साल का कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। अब मैं सोचता हूँ, मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी कैसे जाने दिया तुमने इतने छोटे बच्चे को अलाउ करता है ये कौन, ये किस गलत संगत में पड़ गए थे आप, एक्सरसाइज कर रहे हो यार? ये बड़े कमाल के दिन थे। ये मैं फिल्म शूट कर रहा था खुद के पैसे लगा के, जो फिरंगी बनाई थी ना मैंने, हाँ उसमें और कुछ बनाना हो, मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी, तो ये मैं सुबह 4:30 अक्षय कुमार बन गया था मैं भी, 4:30 उठ के ओपन में वर्कआउट करना और फिर 4:30 उठ के वर्कआउट करके नाश्ता करके 7 बजे सेट पे पहुंचना, ये उस समय की फोटो। फिर कब रियलाइज हुआ कि सब फिजूल चीजें? नहीं रियलाइज नहीं यार, मैं अभी मुझे फिर मेरा मन करता है कि इसी शेप में वापस आऊं, तो 72 है मेरा वेट इसमें। नाइस, तो फिर 92 कर लिया मैंने, जब फिल्म फ्लॉप होगी ना बस यही कमाया। क्या मोमेंट क्या था ये? कुछ नहीं, वो मैंने ऐसे लिख दिया कि
सुप्रसिद्ध अभिनेता आशीर्वाद लेते हुए, तो पाजी क्या कर रहे थे, मैंने उनके पैर छुए ऐसे, तो बोलते ये हमेशा यहाँ तक ही छूता है, यहाँ तक जाता ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसे करके दिखा रहे थे। मैंने फोटोग्राफर में क्लिक करके किया, मैंने डाल दिया, लोग मान भी जाते हैं। फैमिली में कहाँ से लगता है आपको कि, जैसे मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मैं मेरी मम्मी की साइड से थोड़ा बहुत ह्यूमर है, आपको क्या लगा? मुझे लगता है मम्मी और डैडी दोनों ही, दोनों हाँ, क्योंकि मैं ना ये लड़ते बड़ा थे दोनों, मम्मी डैडी ना मेरे, जब हम छोटे थे ना तो लड़ाई कैसे की, मतलब लड़ाई लड़ाई में पंच मारते थे वो, तो मेरे डैडी ना मेरी नानी को मिमिक करते थे, मेरी मम्मी को बोलना तेरी माँ आ गई है पैर टेढ़े करके, क्योंकि मेरी नानी पैदल बड़ा चलती थी, तो वो वहां से पैदल ही आ जाती थी 15-20 किलोमीटर चल के। अरे तो मुझे तो बड़ा मजा आता था उनकी लड़ाई देख के, इसलिए मैं छुड़वाता कभी नहीं था उनकी लड़ाई ना, मेरा बड़ा भाई छुड़वाता था, उसको दो पड़ भी जाती थी, तो मेरे को मजा आता था उनको देख के कि पंच मारते हैं लड़ाई में। 15 साल से कैसे फनी हो आप? 15 साल से कैसे फनी हो, मैं 40 का हो गया भाई। नहीं मतलब आप इतना लंबी जर्नी, जैसे मुझे तो अभी लगने लगता है 4 साल में हो गया कंटेंट खत्म हो गया। मुझे लगता है जब तक दुनिया है कॉमेडी होती रहेगी, क्योंकि आप देखो ना सब कुछ हो रहा है ना, हम कहें कि रोमांस खत्म हो गया, हमारे हार्मोन्स वीक हो गए, बाकी बच्चे तो पैदा हो ही रहे ना 18-20 साल वाले, उनको तो आएंगे वैसे वैसे सपने, तो वो रोमांस भी चले गई, सब इमोशंस चलेंगे, लेकिन होती रहेगी में और हम कर मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं कॉमेडी करना बहुत मुश्किल जॉब है, वो आपकी बात मैं मानता हूँ, पर हाँ लगे रहो होती रहती है, कोई कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा, मतलब ये डर ना रखो ना मैं कि खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक मैंने कढ़ाई का काम भी सीख रखा है इनके सगर में। सर जो टीवी की हम बात कर रहे थे कि मतलब हमारे लिए बहुत इजी है, हम कुछ भी बोल सकते, बाद में यूट्यूब चल जाता कोई, तो आप इतने सालों से जो टीवी पे कर रहे हो, आप बोलो कि आदत पड़ चुकी है, फिल्टर ऐसा हो चुका है, तो इस पर्टिकुलर स्पेशल में कुछ खुले आप? नेटफ्लिक्स का ये फायदा तो है, मैं ये सोच के ही आया था कि यार हम लोग थोड़ा बंदे होते हैं जीसी पे, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पे आप कई बातें नहीं कर सकते, थोड़ा एजी भी है, मजा आएगा लोगों को, पर हाँ ऑब्वियसली क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी हुई है कि ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करने वाली बात कोई ऐसा, पर हाँ अपना ही मजाक उड़ाया है, पर मजेदार है, सबसे ज्यादा फील भी उसमें है ना, अपना मजाक उड़ाने में, वो रिलेटेबली बहुत लगता है, कोई केस भी नहीं, कोई केस नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, तुम मत ही बोलो, तो ऐसा लगता है हर शो आखिरी शो है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, अब आप सीटी दे दीजिए, सीटी मतलब काम की बात जो बताने आया था वो बता दीजिए, मुझे लगा आधार कार्ड की कॉपी दे दी।